हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल लर्निंग नोटबुक इन टूडेज टू डूवीएसम विच यू हैव यूज सो फ्रेंड्स एज यू कैन सी हेयर वी आर गिवन विद फ्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सो यू हैच यू हैव यूज तो पहला है टेलीविजन फिर है ये न्यूज पेपर फिर है रेडियो और आखिरी में है ये मोबाइल फोन तो इनमें से जो जो आपने यूज किया हुआ है आप उनको सर्कल करेंगे ओके नाउ लेट्स रीड दिस चैप्टर कम्युनिकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ इट कन्वेज ओपिनियंस एंड शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज बिटवीन पीपल तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं देखिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है हम सबकी लाइफ में जब हम आपस में बातचीत करते हैं संचार करते हैं उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन तो इसमें हम अपने ओपिनियंस को अपने थॉट्स को और अपने आइडियाज को शेयर करते हैं लोगों के साथ वी कम्युनिकेट इधर ओरली और बाय लिसनिंग एंड राइटिंग तो हम कम्युनिकेट करते हैं या तो ओरली यानी मुंह से बोलकर या सुनकर और लिखकर भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये बिल्कुल हमारी रियल लाइफ से रिलेट करता है सो लेट्स अंडरस्टैंड वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पोस्टल सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज, रेडियो टेलीविजन इंटरनेट न्यूज पेपर एंड मोबाइल फोन तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे अलग अलग मीन्स हैं कम्युनिकेशन के यानी इन सब की हेल्प से हम कम्युनिकेट करते हैं सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वन बाय वन फर्स्ट वी विल रीड अबाउट पोस्टल सर्विसेज लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड आर द मोस्ट कॉमन एंड चीप मोड ऑफ कम्युनिकेशन फ्रेंड्स तो जो लेटर्स यानी जो खत होते हैं जो चिट्ठियां होती हैं और जो पोस्ट कार्ड होते हैं ये बहुत ही कॉमन और सबसे सस्ता तरीका है आपस में कम्युनिकेट करने का दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस तो ये जो सर्विस होती है ये हमें मिलती है पोस्ट ऑफिस की हेल्प से एवरी सिटी एंड विलेज है पोस्ट ऑफिस तो फ्रेंड्स City, यहां हर सिटी यहाँ तक कि हर विलेज में एक पोस्ट ऑफिस होता है द पोस्टमैन कलेक्ट ऑल द लेटर्स पोस्ट कार्ड एंड पार्सल्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड डिलीवर्स देम टू डिलीवर रिस्पेक्टिव एड्रेसिस फ्रेंड्स पोस्ट ऑफिस में देखिए आपको जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप ये एक पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर एक यह ऐसा पोस्ट बॉक्स भी होता है यहाँ पर अंदर ये पोस्ट ऑफिस का ऑफिस है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है ये तो इसके अंदर यहाँ पे इंप्लॉयिज होते हैं वो काम कर रहे होते हैं तो यहां पर आप जाकर अपने लेटर्स या पोस्ट कार्ड या अपने पार्सल्स पोस्ट करवा सकते हैं और जो पोस्टमैन होगा वो यहां से लेटर्स पोस्ट कार्ड और पार्सल्स लेके जाएगा और उनको डिलीवर करेगा जहां पर आपने एड्रेस लिखा हुआ है वहां जाकर वो उनको डिलीवर करता है तो ये होता है पोस्टल सर्विसेज जो कि बहुत ही कॉमन और सबसे सस्ता मोड है कम्युनिकेशन का अब नेक्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हम पढ़ेंगे वो है कोरियर सर्विसेज। कोरियर सर्विस इज अ क्विक डोर टू डोर सर्विस तो फ्रेंड्स देखिए जो कोरियर सर्विस होती है वो फास्ट होती है जो ये सर्विस है वो बहुत फास्ट होती है और ये डोर टू डोर सर्विस होती है डोर टू डोर का मतलब है कि आपके घर से उठाएंगे और जहां पे आपको भिजवानी है वहां उनके वहां पर जाकर छोड़ देंगे सामान वहां डिलीवर कर देंगे अभी हमने ऊपर पोस्टल सर्विस जो पढ़ा था उसमें हमें पोस्ट ऑफिस तक जाना पड़ता है ठीक है पर यहाँ पर कोरियर सर्विस में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपके घर से या ऑफिस से आके ही वो पिकअप करेंगे और जो आप एड्रेस बताएंगे वहां जाकर वो डिलीवर करेंगे इसे कहते हैं डोर टू डोर सर्विस तो डेफिनेटली ये क्विकर होती है एज कंपेयर टू पोस्टल सर्विसेज ऑर्डर इज पिकडअप एंड देन इट इज डिलीवर्ड टू द रिस्पेक्टिव कस्टमर्स तो जैसे मैंने आपको बताया ऑर्डर पिक करते हैं और उनको वो डिलीवर करते हैं इट सेव्स टाइम बट इट इज मोर एक्सपेंसिव देन पोस्टल सर्विसेज डेफिनेटली ये क्विकर होती है बट ये डेफिनेटली एक्सपेंसिव भी होती है पोस्टल सर्विसेज के कंपैरिजन में तो भाई अब ये जल्दी अगर क्विक सर्विस दे रहे हैं तो ये पैसे ज्यादा चार्ज करते हैं एक्सपेंसिव यानी ये महंगी होती है अगर हम इसको कंपेयर करें पोस्टल सर्विस से ठीक है ये था सेकंड अब हम थर्ड पढ़ेंगे रेडियो रेडियो गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अब देखिए थर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है रेडियो रेडियो से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हम न्यूज भी सुनते हैं हम क्रिकेट या किसी और मैच की कमेंट्री भी सुन सकते हैं हम सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं शॉर्ट स्टोरीज भी सुन सकते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रेडियो हमें यही चीज यहां लिखी है चाहे वो कार में सुना हो या कहीं और सुना हो तो हमें बहुत मजा आता है रेडियो सुनने में तो ये जो होता है ये लिसनिंग मोड है मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि हम कम्युनिकेट करते हैं या तो ओडली या लिसनिंग या बाय राइटिंग तो ये जो रेडियो है इससे हम Uh, सुनकर कम्युनिकेट कर रहे हैं ऐसे ही जैसे ऊपर हम पोस्टल सर्विसेस की जब हमने बात करी थी तो वो राइटिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें हम लिख कर कम्युनिकेट कर रहे हैं ठीक है नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन टेलीविजन टेलीविजन इज अ वेरी कॉमन एंड वाइडली यूज मीडिया फ्रेंड्स हर घर में आज टीवी है तो ये बहुत ही कॉमन है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मीडिया है वी सी एंड हियर डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन द टेलीविजन तो टेलीविजन में हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं अलग अलग प्रोग्राम्स देखते हैं हम टेलीविजन पे ठीक है रेडियो में हम सिर्फ सुनते हैं है ना पर टेलीविजन में हम देखते भी हैं और सुन भी सकते हैं इट प्रोवाइड्स अस न्यूज ऑफ आर कंट्री एंड अदर कंट्रीज टेलीविजन में भी हमें न्यूज देखने को मिलती है चाहे अपनी कंट्री अपनी सिटी के बारे में हो या बाकी देश दुनिया की खबरों के बारे में हो आपके आई एम श्योर आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स तो जरूर न्यूज देखते होंगे चाहे आप देखें या ना देखें वी कैन watch वॉच मेनी एंटरटेनिंग like स्पोर्ट्स मूवीज सॉन्ग्स etc. टेलीविजन पे हम बहुत सारे एंटरटेनमेंट वाले channels देखते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स के हों movies के हों सॉन्ग्स के हों तो so, ये सभी काफी एंटरटेनिंग होते हैं हमारे लिए तो so, ये था हमारा फोर्थ means ऑफ कम्युनिकेशन नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन So फ्रेंड्स नेक्स्ट means ऑफ कम्युनिकेशन है newspaper, जो कि एक बहुत ही पुराना और बहुत ही पॉपुलर तरीका है कम्युनिकेट करने का इट इज अ written means ऑफ कम्युनिकेशन अब ये यहाँ पर राइटिंग uh, के थ्रू लिख लिख कर हम कम्युनिकेट करते हैं देखिए जो न्यूज़पेपर होता है वो सब सारा प्रिंट होता है तो वो एक रिटन मीन्स है कम्युनिकेशन का उसको हमें पढ़ना पड़ता है ना तो न्यूज़पेपर बोलता है राइट right? बस बस वो लिखा होता है हमें उसको पढ़ना होता है इट गिव्स न्यूज अबाउट आवर कंट्री एंड अदर कंट्रीज न्यूज़पेपर से हमें क्या सीखने को मिलता है हमें अपनी कंट्री के बारे में न्यूज मिलती है अपनी सिटी के बारे में अपने विलेज के बारे में अपने टाउन के बारे में सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और बाकी दुनिया की भी न्यूज पता चलती है हमें क्या हो रहा है बाकी दुनिया में रीडिंग द न्यूज पेपर हेल्प अस टू गेन नॉलेज और न्यूज पेपर पढ़ने से हमारी जो जनरल नॉलेज है वो इंक्रीज होती है राइट right? वो एनहांस होती है हमारी नॉलेज बढ़ती है ठीक है फ्रेंड्स तो ये हमने पढ़ा नेक्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच वॉज न्यूज पेपर इज यूज टू सेंड एंड रिसीव डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली तो फ्रेंड्स एज यू कैन सी दिस इज अ फैक्स मशीन तो फैक्स मशीन का क्या काम होता है इसको यूज करा जाता है डॉक्यूमेंट्स को सेंड यानी भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली यस फ्रेंड्स ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्स uh, मशीन जो आपको पता होनी चाहिए कि ये ऐसी चीज होती है जिससे हम इलेक्ट्रॉनिकली अपने डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर भेज सकते हैं इंटरनेट वी कैन सर्च इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट थिंग्स आजकल हम सभी इंटरनेट का यूज करते हैं अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो हम जल्दी से जाते हैं इंटरनेट पर चाहे वो गूगल हो या कुछ हो हम उसको यूज कर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं टूडे इट इज वाइडली यूज बाय बोथ यंग एज वेल एज ओल्ड आज हम यंग लोग भी इसको यूज कर रहे हैं और ओल्ड लोग भी इसको यूज कर रहे हैं वी कैन ऑल्सो सेंड ई मेल्स थ्रू इंटरनेट यस हम इंटरनेट की हेल्प से ई मेल्स भेज सकते हैं ई मेल्स क्या होती हैं ई मेल इज अ टाइप ऑफ मैसेज दैट कैन बी सेंड टू मेनी पीपल एट वंस इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो हम इंटरनेट की हेल्प से ईमेल भेजते हैं कम्युनिकेट करने के लिए आपस में तो ईमेल क्या होता है फ्रेंड्स एक ही मैसेज होता है जिसको हम लिखते हैं तो ये राइटिंग मींस ऑफ कम्युनिकेशन है इसको हम लिखते हैं और इंटरनेट की हेल्प से हम जिसे भेजना चाहें चाहे वो एक पर्सन है दो है चार है दस है हम उन बहुत सारे लोगों को एक साथ एक ईमेल भेज सकते हैं तो ये बहुत ही फास्ट तरीका है इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो बहुत ही जल्दी हम अपना मैसेज किसी को भी भेज सकते हैं ई मेल की हेल्प से ठीक है नाउ द लास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज मोबाइल फोन्स मोबाइल फोन्स आर द मोस्ट पॉपुलर एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो फ्रेंड्स मोबाइल फोन्स बहुत ही पॉपुलर है और ये बहुत ही तेज तरीका है आपस में कम्युनिकेट करने का दे इजली हेल्प अस टू कनेक्ट विद पीपल लिविंग इन डिस्टेंट एरियाज तो मोबाइल फोन्स की हेल्प से हम जो लोग दूर भी रह रहे हैं उनसे भी कनेक्ट कर लेते हैं बहुत ही आसानी से देखिए हमें किसी से भी बात करने का मन होता है हम जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं और उससे बात कर लेते हैं और आजकल तो व्हाट्सएप पे हम लिख कर भी बातें कर सकते हैं तो जो ये मोबाइल फोन है ये ओरल मीन्स मीन्स ऑफ ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन भी भी है as well as writing means of communication भी है एज एज वेल राइटिंग और मोबाइल फोन से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं हम ईमेल भी लिख सकते हैं इट कैन बी यूज टू सेंड टेक्स्ट मैसेजेस कॉल्ड एसएमएस और इससे हम टेक्स्ट मैसेजेस भी भेज सकते हैं जिसे कहते हैं हम एस एम एस वीडियो कॉल्स आर इजली मेड विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन्स और वीडियो कॉल्स भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं हम स्मार्टफोन्स की हेल्प से तो फ्रेंड्स ये हमने पढ़े डिफरेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से पढ़े हमने हमने पढ़ा पोस्टल सर्विसेज के बारे में कुरियर सर्विसेज के बारे में फिर हमने रेडियो के बारे में पढ़ा टेलीविजन के बारे में न्यूज के बारे में फिर हमने बात करी इंटरनेट और आखिरी में हमने पढ़ा मोबाइल फोन्स के बारे में तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हमारे डे टू डे की लाइफ में रिलेट करता है तो मुझे तो इस चैप्टर को पढ़कर बहुत मजा आया अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय।